और भाई लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 पेट्रोल पंप स्कैम्स के बारे में, जो आपके साथ हो चुके हैं या फिर आपके साथ हो सकते हैं। तो इस पूरे घपले को कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, कैसे टैकल कर सकते हैं, ये मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना और सतर्क रहना। तो शुरू करते हैं 5वें नंबर के स्कैम के साथ, जिसका मैंने नाम रखा है ऑयल स्कैम। तो इसमें क्या होता है, जब हम लोग पेट्रोल भराने लेके जाते हैं तो उसमें दो लड़के रहते हैं, एक जो हम लोग के बाइक में पेट्रोल भरता है और दूसरा जो हम लोग को स्कैम करने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या होता है, जब हम लोग पेट्रोल भराने लेके जाते हैं तब हम लोग वो पेट्रोल वाले को बोलते हैं कि भाई 100 रुपये का पेट्रोल डाल। वही टाइम में वो स्कैमर आता है और हम लोग को उनके प्रोडक्ट सेल करता है, मतलब बता दे कि भाई ये ऑयल डाल दो स्कूटी में तो पेट्रोल अच्छा रहेगा, इंजन अच्छा रहेगा, गाड़ी अच्छी चलेगी, ऐसा वैसा फलाना हम लोग को बोलता है, हम लोग को बिजी रखने के लिए, क्योंकि हम लोग जो रीडिंग है वो ना देख पाए, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं वो हम लोग ना देख चार से इंची। और यहाँ पे उन्होंने जीरो करने का नाटक किया बट जीरो करा नहीं। और उसके बाद इनकी स्ट्रेटेजी शुरू हो गई, ये मुझसे बात करने लगे ताकि मेरा मीटर पे ध्यान ना रहे। तो इसका प्लीज जरूर ध्यान रखिए और हम लोग डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, हम लोग पहले देखना चाहिए कि भाई जीरो है या नहीं, तो ही उसको बोलने का है डालने का, नहीं तो नहीं डालने का। तो आगे बढ़ते हैं 4th स्कैम के इधर, जिसका मैंने नाम रखा है किधर जा रहा है भाई। तो इसमें क्या होता है, स्पेशली जो लोग गोप्रो विप्रो पहनते हैं ना, पूरा गेयर मेयर में रहते हैं, तो वो लोग जब जाते हैं तो ये बंदा क्या करता है, पेट्रोल पंप वाला कैसे स्कैम करता है, वो कैमरा के पास जाता है, ऐसा बोलता है भाई किधर जा रहा है, भाई किधर जा रहा है, ताकि हम लोग को पीछे की रीडिंग ना देखे। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, देख लो एग्जांपल। तो इसमें भाई आप लोग जरूर ध्यान रखिए कि आपका कोई भी कैमरा रहेगा वो कवर नहीं होना चाहिए, अगर कवर हो रहा है तो आप उसको बोलो कि भाई साइड हो, मेरे को जीरो देखने का है, फिर ही डालो वरना मत डालो। तो 3rd रैंक पे आता है कंटिन्यूएशन स्कैम। इसमें क्या होता है, हम लोग उसको बोलते हैं कि 300 का डालो, लेकिन वो क्या करता है 100 का ही डालता है, और फिर हम लोग का ध्यान जाता है उधर, तो फिर हम लोग बोलते हैं भाई मैंने 300 बोला था 100 क्यों डाला, तो फिर वो बोलता है, एक्टिंग करता है कि भाई अरे अरे अच्छा ठीक है मैं डालता हूँ, तो वो क्या करता है बाद में 200 का ही डालता है। लेकिन हम लोग इधर एक बात मिस्टेक करते हैं, हम लोग रीडिंग नहीं देखते, तो बोला भाई, वो बोलता है कि भाई अभी ये 200 का डालो, पहले 100 का तो 300 हो गया, ऐसा नहीं रहता है भाई लोग, ऐसा नहीं रहता है। आप वीडियो देखो, अभी सिर्फ 150 का भरा जबकि पूरा भरना था, और ये ट्रिक है जो पूरे इंडिया में अप्लाई होती है, तो मतलब कुछ कुछ टाइप किया वहां पे, लेकिन 150 नहीं किया, 150 से चालू हुआ मालूम है। तो इस वीडियो में क्या हुआ, ये बंदे ने क्या किया, पहले जो अमाउंट बोला था वो डाला, समझो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, उसने 300 बोला तो उसने पहले 100 ही डाला, फिर उसके बाद उसने 200 डाला, लेकिन कैसा डाला, वो 100 को ही कंटिन्यू किया, तो इन एक्चुअल में उसने 300 का नहीं डाला भाई लोग, सिर्फ 200 का ही डाला, जो पहला 100 का और यही 100 का, मतलब उसने 100 से ही स्टार्ट किया जबकि उसको 0 से स्टार्ट करना चाहिए था। आपको वीडियो में समझ में आया ही रहेगा। तो चलते हैं 2nd रैंक के स्कैम के इधर, ये तो बहुत ही मतलब झोलू किस्म का स्कैम हम लोग बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, हम लोग पेट्रोल पंप वाले को बोलते हैं भाई 100 का भर दो, तो वो पेट्रोल पंप भर देता है, लेकिन अभी ये जो उसका दोस्त रहता है वो आगे नहीं रहता, बाजू में नहीं रहता, वो रहता है पीछे, और जैसे ही उसने पेट्रोल पंप का जो पंप रहता है वो अपने टंकी से हटा दिया, तो वो पीछे से बोलता है कि अब भाई आगे ले ले, ताकि हम लोग एक्चुअल में वो रीडिंग ना देख पाए, इसने 100 का भरा है या 80 का भरा है या 90 का, तो हम लोग कन्फ्यूज होता है, वो पीछे से बोल रहा है हाँ आगे, तो हम लोग वो रीडिंग देखते ही नहीं कि उसने 100 का भरा है या कितने का भरा है, और हम लोग आगे ले जाते हैं। तो इसमें वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी 80 का भी भर देते हैं और हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ता कि कितने रुपए का हम लोग ने पेट्रोल भरा है। तो इधर भी आपको ध्यान रखना है, अगर पीछे से कोई बोल रहा है तो उधर बिल्कुल ध्यान नहीं देने का उन लोगों को, पहले हम लोग को अपना रीडिंग देखने का है कि कितना हुआ है, फिर ही हम लोग को आगे जाने का है। फिर ये स्कैम बहुत बड़ा स्कैम है, इसलिए इसको रैंक 1 पे रखा है मैंने। तो इसमें क्या होता है, जो गाड़ी स्पेशली जो कार्स में रहते हैं उन लोग के साथ ये बहुत बहुत बार होता है, जिनके पास गाड़ी है, तो वो लोग कृपया करके ध्यान दें ये स्कैम के इधर। तो हम लोग जब पेट्रोल पंप वाले को बोलते हैं कि भाई 1000 रुपये का भरा, तो उधर से दूसरा उसका दोस्त आता बोलता है भाई डेबिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड है, तो
ये इसमें वो कंफ्यूज रहा, जो पहला चौथा पॉइंट था हम लोग का या पांचवा रैंक पे था जो ऑयल स्कैम, ये सेम डेबिट कार्ड वाला स्कैम है। तो हम लोग को, हम लोग ना बोलते हैं भाई डेबिट कार्ड नहीं है, कैश में भर रहे हैं, तो वो लोग डेबिट कार्ड का फिर भी मशीन लेकर बोलते हैं भाई है क्या है क्या, क्या कि हम लोग को वो रीडिंग ना देखे। तो ये भी स्कैम है भाई, तो प्लीज़ ये स्कैम में ना अटके, रीडिंग देखे, रीडिंग ज़रूर आप देखे और फिर ही पेट्रोल भराए। और भाई लोग ये है एक बोनस स्कैम जो मैं आपको बताने वाली, ये तो हमेशा ही बहुत जन के साथ होता है इसको, इसलिए मैंने बोनस स्कैम के जगह पे रखा है। तो इसमें क्या होता है, देखो हम लोग के पास दो पेट्रोल, दो तरीके के पेट्रोल रहते हैं, एक तो रहता है एक नॉर्मल और एक तो रहता है पावर, जो कि फिलहाल नॉर्मल इज 97 रुपीज़ और पावर 100 रुपये पे। तो हम लोग को क्या करते हैं, फिलहाल बहुत लाइन रहते हैं कभी कभी पेट्रोल पंप के इधर, तो वो लोग क्या करते हैं, हम लोग को उधर पावर का रहता है, तो वो हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई इधर आ जाए, इधर कम कर दे, क्योंकि उधर पावर महंगा रहता है इधर, इसलिए कोई ज़्यादा रहता नहीं, तो उधर कम कर दे रहते हैं, तो हम लोग उधर चले जाते हैं। और बाद में हम लोग जब पेट्रोल भरते हैं तब वो लोग बोलते हैं भाई ये पावर है, अरे यार, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर से थोड़ी लाइन में रहेंगे, तो हम लोग पावर का भर डालते हैं। तो ये भी एक बोनस स्कैम है जो आपको बताया है मैंने, तो इसका भी ध्यान रखना आप। और थैंक यू भाई लोग वीडियो देखने के लिए, होप आपकी ज़रूर मदद किया रहूँगा मैं, अगर मदद किया रहूँगा और कुछ नॉलेज आपको मिला रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई, पहले सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, और सतर्क रहना भाई लोग, थैंक यू सो मच।